ज दैट वी लर्न हाउ टू एड वू एड ई आर ई एस टी वेन टू एड आई एस टी एंड हाउ टू वन टू एड मोर एंड मोस्ट एंड सो ऑन ऐसे जहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के जहाँ स्टैंडर्ड तरीके स्टैंडर्ड रूल्स हमने देखे उनको हम कहते हैं रेगुलर कंपैरिजन क्या कहते हैं रेगुलर कंपैरिजन रेगुलर मतलब एक उसका नियम है एक नियम के तहत नाउ देर इज समथिंग नियमित देर इज समथिंग इरेगुलर कंपैरिजन इरेगुलर कंपैरिजन में दिक्कत होती है और वहाँ पर हमको निश्चित रूप से याद करना पड़ता है कि इसका कंपैरेटिव क्या है और इसका सुपरलेटिव क्या है वो हमको याद करना हो पर मैं कहूँगा आई वुड एडवाइज दैट इंस्टेड ऑफ मैकिंग अप रीड एंड रीड लाउडली यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव्स ऑफ मैनी पॉजिटिव विच हैव इरेगुलर कम्पेरिजन फॉर एग्जाम्पल गुड ये इरेगुलर का एग्जाम्पल है गुड क्योंकि गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है बेटर बेटर शब्द का गुड़ से कोई लेना देना नहीं जी डबल ओ डी एंड बी ई डबल टी आर कोई लेना देना नहीं और ऐसे तीसरा है बेस्ट ऐसे शब्द जिनके तीनों डिग्रीज में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं दिखता दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिखता ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं रेगुलर कंपेरिजन ऑफ एड्जेक्टिव बैड वेल वेल का भी देखिए आई एम वेल और उसका कंपैरेटिव क्या है बेटर गुड का भी कंपैरेटिव क्या है बेटर राइट सो वेल और गुड याद रखिएगा दोनों का कंपैरेटिव बेटर और बेस्ट है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऐसी बैड bad what is the uh, what is the comparative word comparative degree of bad worse w o r s e worse and next one is worst w o r s t what you need to remember i repeat once again is that these are irregular comparisons nothing to do with syllable the single syllable rule, the double syllable rule, the rule of words ending with Y, and all these don't apply here. And so, you have it's only through practice that you will get to know the comparative and the superlative degree of these positive words. As I said, good, well, bad, ill. इल का भी जो कंपेरिटिव है इल मने बुरा बीमार तो so उसका होता है वर्ष और वर्ष जैसे बैड का भी वर्ष और वर्ष ना लिटल का क्या होगा लिटल थोड़ा तो उसका हो जाएगा कम थोड़ा कम और कम और सबसे कम तो so इंग्लिश में लिटल का टल शुगर एंड आई ही नीड्स लेस शुगर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल नीड द लीस्ट शुगर सब से कम न्यून तम लिटल मने थोड़ा लेस मने न्यून तर तुलना हुई लेसर और लीस्ट मतलब न्यून तम लीस्ट नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड माई प्रोग्राम न्यूनतम लोग मेरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए लीस्ट नंबर ऑफ पीपल राइट मच ये देखिए ये मच और मोर क्या बला है या मच और मैनी क्या बला है मच मोर मोस्ट आई नीड मच शुगर ही नीड्स मोर शुगर एंड द अदर पर्सन नीज स्टिल मोस्ट द मोस्ट ही नीड द मोस्ट Quantity of sugar. Can I say I need many sugars? Can I say I need many sugar? No. Achha, can I say I need uh, much mangoes? Aap kya rahe I need much mangoes. Can I say that? Can I see, say I need many sugar? No. Try to understand what. वट इज द डिफरेंस वाई दांग मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है क्वांटिटी के लिए यूज होता है मात्रा के लिए अनकाउंटेबल मच जिसे गिना नहीं जा सकता शक्कर को गिन नहीं सकते वहां पर क्या होगा वहां पे हम बोलते हैं मच मोर मोस्ट लेकिन हाँ चाहे और मैनी जो है मैनी काउंटेबल के लिए नंबर के लिए जहां पे मात्रा नहीं बल्कि नंबर इंपॉर्टेंट है संख्या जिसे गिना जा सके वहां पर हम मैनी का उपयोग करते हैं और जब नहीं गिना जा सके और हमको बोलना है बहुत तो हम मच का उपयोग करते हैं लेकिन ये जो अंतर है कि पॉजिटिव में ही है बस ये जो अंतर है केवल पॉजिटिव में ही है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ये अंतर नहीं है कंपेरिटिव ऑफ सुपरलिटी में दोनों में आप देखेंगे मच मोर मोस्ट मैनी मोर मोस्ट सो दिस डिफरेंस इन क्वांटिटी एंड नंबर इज एप्लीकेबल ओनली इन पॉजिटिव फर्स्ट डिग्री राइट पहली डिग्री में ही है इसका मूल अवस्था में उपयोग होता सिमिलरली फार फारदर फारिस्ट सिमिलरली इन इनर इनर मोस्ट अब ये देखिए इन इनर इनर मोस्ट कहां इसका उपयोग होता है ऐसा इन इनर इनर मोस्ट आई एम इन द टेंपल राम इज इन द टेम्पल राम इज इन द टेम्पल श्याम इज इन द इनर रूम शाम इज इन ए इनर रूम यानी राम जो है वो मंदिर के एक कमरे में है शाम जो है वो मंदिर के उस कमरे से अंदर वाले कमरे में है एंड आई एम इन द इनर मोस्ट रूम मैं मंदिर के सबसे अंदर के कमरे में हूँ, द गॉड स्टैच्यू द डीटी जिसको हम बोलते हैं डी टी एन देवता डी ई आई टी बाय

हैव यू अंडरस्टूड हम एक शर्ट पहनते हैं उसके बाद एक इन पहनते हैं इनर बनियाइन फिर उसके अंदर इनर एंड इनर मोस्ट राइट द इनर मोस्ट ड्रेस दैट वी वेयर इज अंडर गार्मेंट्स राइट सो इनर मोस्ट याद रखिए एंड सिमिलरली अपर एंड अपर मोस्ट अपर एंड अपर मोस्ट एग्जाम्पल कैसे होगा ही इज अप देयर इन द रूम ही इज अप देयर इन द रूम वो ऊपर एक कमरे में है एंड राम इज इन द अपर रूम यानी उससे भी ऊपर के कमरे में है एंड शाम इज इन द अपर मोस्ट रूम अब अपर और अपर मोस्ट के बीच में कितने भी कमरे हों लेकिन यह तय है कि जो शाम है वो सबसे ऊपर वाले कमरे में है हो सकता है बीच में और कमरे हों राइट या इफ आई सेड आई एम इन द अपर मोस्ट रूम सो इसका मतलब मैं सबसे ऊपर वाले कमरे हूं बीच में और भी कितने भी कमरे होंगे दैट इज इन मेटीरियल दैट इज नॉट ऑफ माई कंसर्न सिमिलरली लेट लेटर लेटेस्ट ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट इस पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे बाद में जैसा मैनी और मच का अंतर है ऐसे ओल्ड old और ओल्डर और एल्डर में क्या अंतर है एंड सो ऑन सो सोफोड बट राइट नाउ यू शुड नो दे आर ऑल इरेग्यूलर वर्ड्स एंड दे आर कॉल्ड इरेग्युलर बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज वर्ड्स ओके नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज नाउ लेट अस डू some practice and while practicing i give some examples for you for you to do it at home do it yourself that is see the words black excellent ill mad safe able dry ugly ugly means शोभनीय अच्छा ना दिखने वाला ट्रू एक्ट डिफिकल्ट एंड न्यूमरस न्यूमरस नाउ यू मेक कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव आउट ऑफ दीज नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन लेटर लेटर लेटेस्ट एंड लास्ट क्या है यू मस्ट है कंफ्यूज की लेटर और लेटर में क्या अंतर दोनों का हिंदी में यदि अनुवाद करेंगे तो हिंदी का अनुवाद इसका बनता है बाद में लेटर आई विल कम लेटर आपने सुना है यार तो लेटर क्या है एल ए डबल टी आर क्या है ये क्या अंतर है अंतर बहुत क्लियर है कोई शंका नहीं होनी चाहिए लेट लेटर लेटेस्ट लेट लेटर लास्ट लेट लेटर लेटेस्ट और लेट, लेट लेटर लास्ट ये देख लीजिए दोनों जब लेटर और लास्ट आता है तो वो स्थिति बताता है पोजीशन जगह पोजीशन जगह बताता उदाहरण के लिए ही इज let us see first example he is later than i expected he is later than i expected i have not heard the latest news i am comparing the word later and latter and i am also comparing the word latest and last and both the difference is about time and position लेटर इज फॉर पोजिशन एंड लेटर इज फॉर टाइम ही केम लेटर लेटर देन राम लेटर देन राम ने एंड ही स्टैंड लेटर देन राम मतलब क्या हुआ ही केम लेटर देन राम हिंदी में अनुवाद क्या हुआ वह राम के बाद आया हम किसकी चर्चा कर रहे हैं समय की जब समय की चर्चा कर रहे हैं तो एल ए टी आर आ जाएगा बट ही स्टैंड लेटर देन राम वह राम के बाद खड़ा हुआ है ही इज स्टैंडिंग लेटर देन राम यहां पे लेटर क्या है लेटर है स्थिति बता रहा है कि उसके बाद वो खड़ा हुआ है समय नहीं बता रहा है तो so, जब स्थिति बता रहा हो तो लेटर कंपेरिटिव में जब टाइम बता रहा हो समय बता रहा हो तो लेटर और ऐसे ही सुपर में अंतर हो जाता है लेटेस्ट ही केम द लेटेस्ट एंड ही स्टैंडिंग लास्ट सो दिस वे वी वी मस्ट अंडरस्टैंड द फाइन डिफरेंस बिट्वीन लेटर लेटर लेटेस्ट एंड लास्ट ओके Let's लेट लर्न फर्दर अबाउट इट लिटल मोर विथ फ्यू एग्जाम्पल

तो यहां पे कौन सा शब्द आएगा लेटर द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटर्न क्या बता रहा है आखिरी क्रम बता रहा है स्थिति बता रहा है समय नहीं बता रहा है अवर्थ इज द लास्ट हाउस अब यहां पे देखिए इज द लास्ट हाउस क्रम बता रहा है आखिरी वाला मकान So, I होप यू हैव understood द फाइन डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लेटर लास्ट एंड लेटेस्ट ओके नाउ सिमिलर कंफ्यूजन इज caused इन केस ऑफ एल्डर एंड ओल्डर बहुत बार, बार दुविधा होती कि मैं अपने भाई को एल्डर बोलूं या ओल्डर बोलूं, eldest बोलूं या ओल्डेस्ट बोलूं। क्या अंतर है ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना ओल्डर यानी उससे पुराना ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा ओल्डर मतलब उससे बड़ा तो इसमें एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों के लिए। पहली बात ये रखिए एल्डर और ओल्डर का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता एल्डर एल्डेस्ट ये जो शब्द है इट इज ओनली फॉर पीपल दैट रूल नंबर वन नॉट फॉर एनिमल्स और आइटम्स एल्डर सजीव और सजीव में भी जानवर नहीं पत्ते नहीं प्राणी मनुष्य प्राणी जानवर नहीं मनुष्य उनके लिए केवल एल्डर और एल्डेस्ट होता है पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन ये कि एल्डर और एल्डेस्ट का उपयोग सामान्यतया परिवार के सदस्य के लिए होता है Members of the family. It is applied only for the members of the family. Class may Ram is elder to me, Nibolinge. Is he a member of my family? Certainly not. Ram belongs to another family. He comes from some other family. And so we will not use the word elder to compare the two. Ram is elder to me. No. Why? Why no? Because number one. वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ माई फैमिली ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है वो दोनों के लिए होता है व्यक्ति के लिए भी होता है और वस्तुओं के लिए भी होता है ओल्ड और ओल्डर ओल्डेस्ट जॉन इज माई एल्डर ब्रदर वी कैन ऑल्सो से जॉन इज माई ओल्डर ब्रदर बट यू मस्ट प्रिफर टू यूज एल्डर for someone who is your family relation. tom is my eldest son. oldest son is also okay. because you are talking about human being and because he is of the same family. but elder is exclusively for family. so why not use that? <laughs> विश्वा इज एल्डर टू मी इसका मतलब क्या हुआ आप समझ गए कि विश्वा मेरा भाई है पहली बात तो यह मेरे से रिलेशन में है एम आई क्लियर तो ये बताना यदि हो तो एल्डर और एल्डर का उपयोग कर सकते हैं अदरवाइज यू कैन यूज ओल्डर ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर राइट नॉट रॉन्ग बट ही इज एल्डर देन हिज सिस्टर दैट मज बेटर So, he is older than his sister, is also right. Old and oldest we can use for Padarth, Vastu, as well as for Vyakti. But elder and eldest we can use only for Vyakti and for family members. That's all. Is it clear to everyone? This temple is the oldest temple. We ye this temple is the eldest temple. Because eldest Shabd, Sajiv, and Manushya liye hota hai. सजीव और वो भी मनुष्य के लिए तो हम मंदिर के लिए एल्डेस्ट नहीं बोलेंगे मंदिर के लिए हम क्या बोलेंगे सबसे पुराना मंदिर है बोलना है तो ओल्डेस्ट टेम्पल नेक्स्ट सच वर्ड विच कॉजेस कंफ्यूजन इज फार्दर फार फारदर फारेस्ट ऑन फार फर्दर फारदेस्ट ये क्या है फार यानी दूर नियर का उल्टा है फार तो फार फारदर फार फर्दर इसमें क्या होता है दूरी के लिए उपयोग होता है फार्दर और फर्दर जो है ये दोनों शब्द दूरी बताते हैं दोनों शब्द क्या बताते हैं दूरी लेकिन एक चीज़ है कि फर्दर पर farther नहीं का तात्पर्य कुछ एडिशनल दूरी हो जाती है कुछ एडिशनल दूरी कुछ और दूरी कैलकाटा इज़ farther than

किससे से तुलना कर रहे हो देन आई विल से इट इज़ फार्दर फ्रॉम इक्वेटर दैन कोलम्बो मतलब कोलम्बो की तुलना में इक्वेटर से कलकत्ता ज़्यादा दूर है फर्दर की यदि बात करें ही मेड नो फर्दर रिमार्क दूरी की बात हो रही है अब यहाँ पे दूरी की बात नहीं है फार का मतलब तो दूर होता है और उसी से फारदर बनता है और उसी से फर्दर बना लेकिन फर्दर और फार्दर में अंतर क्या है फार्दर को दूरी के लिए बताते हैं और फर्दर का उपयोग यहां देखिए ही मेड नो फर्दर रिमार्क उसने फिर आगे और कुछ नहीं कहा मेड नो फर्दर रिमार्क नो फर्दर रिमार्क नहीं फार्दर मतलब दूर उसने और ज्यादा दूर वाला रिमार्क नहीं किया ये नहीं बोलना हमको हमको कहना उसने और आगे कुछ नहीं बोला ही मेड नो फर्दर रिमार्क

तो यहाँ आगे का अर्थ क्या दूरी है कि आपका उत्तर और दूरी से आएगा नहीं यहाँ का उत्तर है कि और ज़्यादा समय ना लगाओ और ज़्यादा समय ना लगाओ सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दोनों शब्द फार्दर और फर्दर दूरी के लिए हैं लेकिन फार्दर जहाँ डिस्टेंस की बात करता है फर्दर में आगे की भावना आगे और आगे उसने कुछ नहीं कहा और आगे उसने विलम्ब नहीं किया और आगे का अर्थ भी तो दूरी ही है ज्यादा समय नहीं लगाया लेकिन डिस्टेंस नहीं है डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं फारदर राइट नाउ द नेक्स्ट सच वर्ड विच कॉज़स कंफ्यूजन इज नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब क्या होता है नी नियर नियरर नियरेस्ट नियर मतलब पास नियरर मतलब उससे पास और नियरेस्ट मतलब सबसे पास तो सबसे पास है दिस टेबल इज नियरस्ट टू मी दिस टेबल इज टू मी इज द नियरेस्ट मी इन फैक्ट वो दी क्या है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अभी आप इतना समझे कि दिस टेबल इज टू मी सबसे पास है और नेक्स्ट का मतलब क्या होता है नेक्स्ट का मतलब उसके बाद बा, के बाद उसके बाजू में क्रम में नेक्स्ट मतलब क्रम की बात करता है और नीरस्ट मतलब दूरी की बात करता है कम से कम दूरी और नेक्स्ट मतलब क्रम ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू राम माई बुक इज केप्ट नेक्स्ट टू द कैमरा आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैमरा मैं ठीक कैमरे के बाजू में खड़ा हूं नॉट नेसेसरी आई एम स्टैंडिंग नीरेस्ट टू द कैमरा जरूरी नहीं है कि मैं कैमरे के सबसे निकट खड़ा हूं लेकिन हा कैमरे के बाजू में खड़ा हूं उसके कैमरे के बाद मेरा नंबर है एम आई क्लियर सो है पोस्ट ऑफिस एंड वेयर इज द नियरस्ट फोन बॉक्स सबसे पास कौन सा है नेक्स्ट फोन बॉक्स नहीं है नेक्स्ट फोन बॉक्स मतलब एक फोन बॉक्स को आपने देखा दूसरा देखा अब आप पूछ रहे नेक्स्ट वाला कहाँ है और मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ सबसे पास वाला कहाँ है सो वन इज अगेन अबाउट डिस्टेंस नियरनेस एंड द सेकेंड वन इज अबाउट द सीक्वेंस वन इज अबाउट द नियरनेस हमसे कितनी निकटता है नियरेस्ट और दूसरा है क्रम सीक्वेंस कहाँ किस ऑर्डर में है किस क्रम में सो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स दैट कॉज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड क्रिएट and uh, many, many people at even higher level, they make mistakes on this. i hope you will not because you have understood it and you should try to put that right in your head, exactly the meanings of these words. as we went about understanding these adjectives, i kept telling you toward the end that

किसी तरह की दुविधा ना हो उनके उपयोग में इसको लेकर जो बातें बताई गई स्पष्ट हो गई होंगी फिर भी हम कुछ उसी को लेकर उन्हीं शब्दों को लेकर कुछ अभ्यास करें कुछ एक्सरसाइज करें सो एज टू पुट दीज वर्ड मीनिंगफुल इन आर माइंड लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज अबाउट लेटर एंड लेटर एल ए टी आर एंड एल ए डबल टी आर एक का संबंध समय से है और एक का संबंध स्थिति से है राइट सो वर्ड्स आर द द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल कौन सा प्रस्ताव मेजॉरिटी ने स्वीकार किया जो बाद में आया बाद में आया मतलब जो बाद में है स्थिति बताता है पहले वाला नहीं बाद वाला सो लेटर प्रपोजल द डैश पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस ऑफ हरी हरी मतलब जल्दी साइन मतलब ऐसा चिन्ह ऐसा महसूस कराना साइन मतलब महसूस आप में बीमारी का साइन दिख रहा है बोलते हैं ना हम लोग तो वहां पर वही मतलब है तो द डैश पार्ट ऑफ द बुक शोज साइंस ऑफ हरी जल्दी का उसमें कुछ आभास होता है जल्दबाजी की गई है ऐसा दिखता है कहाँ पर टर पार्ट ऑफ इट बाद के भाग में स्थिति बता रहा है बाद के अध्यायों में सो एल ए डबल टी आर नेक्स्ट एट ए डैश डेट ही वॉज प्लेसड इन चार्ज ऑफ होल तालुका एट ए लेटर डेट बाद के समय बाद की तारीख में क्रम बता रहा है एंड आई प्रिफर द आई प्रिफर द लेटर प्रिपोजिशन To the former. Is there no later, later news than last week? So these five are now about later and later. And you have we have filled up these words appropriately. Next is older and elder. And as I said, one has something to do with relation, and the other can be used for both all the cases, relation or non-relation. I have एंड एल्डर सिस्टर क्योंकि सिस्टर इज रिलेशन रामा इज ओल्डर देन हरी बाय टू ईर्स इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो रिश्तेदार है तो हम ओल्डर शब्द का उपयोग करें इसमें इस बात सात नहीं हो रही कि राम और हरी में कुछ रिश्तेदारी है तो हम लिख दें उसमें ओल्डर हिज डैश ब्रदर इज इन डिनर थर् ब्रदर है तो ब्रदर होगा तो क्या बोलेंगे एल्डर His elder brother is in the Indian civil service. Next is, she is, she is किसकी तुलना हो रही है? Of the two sisters, दो बहनों की तुलना हो रही है। तो मतलब elder आएगा, she is elder of the two sisters. And last is, the nephew is elder or older. अगेन रिलेटिव एल्डर देन हिज अंकल इन सब में आप ओल्डर यूज कर सकते हैं ओल्डर का उपयोग सब में हो सकता है लेकिन यदि रिश्तेदार हैं तो बेहतर होगा कि एल्डर का उपयोग करें क्योंकि एल्डर केवल रिश्तेदारों में ही हो सकता है राइट नेक्स्ट इज ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट सेम रूल अप्लाई रोस्तम इज द एल्डेस्ट ऑफ़ my अंकल्स फाइव सन्स पांच भाइयों में मेरे अंकल के पांच भाइयों में रुस्तम सबसे बड़ा है तो रुस्तम एक भाई है उन लोगों का रिलेशन है इसलिए एल्डेस्ट आएगा ही इज़ द डैश मेंबर ऑफ स्कूल कमिटी यहाँ पे ओल्डेस्ट आएगा क्योंकि कमिटी स्कूल कमिटी के मेंबर रिश्तेदार नहीं होते और नियम भी कहता है उनको रिश्तेदार नहीं होना चाहिए तो so यहां पे ओल्डेस्ट आएगा नेक्स्ट इज द डैश मॉस्क इन द टाउन इज नियर टू द रेलवे स्टेशन द एल्डेस्ट मॉस्क मॉस्क नहीं मॉस्क यानी एम ओ एस क्यू यू ई मॉस्क यानी मस्जिद ओल्डेस्ट मॉस्क सबसे पुरानी मॉस्क ऐसे मिस्टर स्मिथ इज द एल्डेस्ट टीचर और द ओल्डेस्ट टीचर टीचर में रिश्तेदारी नहीं रहती तो ओल्डेस्ट होगा सो दिस इज ऑल अबाउट ओल्डर एंड ओल्डेस्ट नाउ वी कम टू द फार्दर एंड फारद फर्दर आई कांट वॉक एनी फर्दर मैं और इससे आगे नहीं चल सकता आई कैनॉट वॉक एनी फर्दर नो फर्दर रीजन्स वे गिवन नो फर्दर रीजन्स वे आर गिवन और कोई सा कारण आगे नहीं बताया गया सो इट विल बी फर्दर क्योंकि यहाँ पर दूरी नहीं आ रही है नेक्स्ट इज ही वॉकडाउ विदाउट आगे की सेरेमनी आगे की सेरेमनी मतलब कार्यक्रम आगे के कार्यक्रम देखे बिना वो चला गया तो आगे का मतलब क्या दूरी बता रहा है नहीं तो यहाँ पर क्या आएगा फर्दर ही वॉकडाउट विदाउट फर्दर सेरेमनी टिल डैश ऑर्डर मिस्टर दवे विल रिमेन हेड मास्टर और आगे तक आगे वाले आ, आगे आने वाले ऑर्डर तक मिस्टर दवे हेड मास्टर रहेंगे तो यहां आगे आने वाले क्या बता रहे है दूरी बता रहा है कि कुछ और बता रहा है समय बता रहा है तो फर्दर अंटिल फर्दर ऑर्डर एंड लास्ट इज टू लेट ए बंगलो एट रिज रोड टू लेट मतलब क्या होता है टू लेट यानी किराए पर देना किराए पर देना टू लेट ए बंगलो एट रिज रोड फॉर फर्दर पर्टिकुलर अप्लाई टू सो एंड और आगे की जानकारी के लिए फॉर फर्दर पर्टिकुलर एफ यू आर टी एच ई आर तो दिस इज अबाउट फॉर्दर एंड फर्दर Now we come to the next one. Again, in continuation, the same exercise, latest and last. There are few sentences again for you. The dash news from China is very disquieting. Karne wali. Disquieting Karnevali. The dash news. The latest news from China is very disquieting. Jo sab se आखिरी में आई है जो सबसे आखिरी में वो न्यूज हमारे लिए चिंताजनक है द डैश टाइम आई सॉ हिम ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स स्पिरिट्स मतलब क्या होता है स्पिरिट्स मतलब उत्साह में रहना स्पिरिट मैंने उत्साह में रहना द लास्ट टाइम आई सॉ हिम जब मैंने इसे आखिरी बार देखा द लास्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज इन हाई स्पिरिट जब मैंने उसे आखिरी बार देखा बहुत उत्साहित दिख रहा था आखिरी बार फो लास्ट टाइम द लास्ट आई सॉ हिम टूडे इज द डैश डे ऑफ माई सर्विस टुडे इज द लेटेस्ट डे नो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माई सर्विस राइट वी कम टू द लास्ट वन द डैश Mughal Emperor came to uh, the Dash Mughal Empire came to a sad end. The last Mughal Empire, the last Mughal Emperor, kya? The Dash Mughal Emperor met with a sad end. This is the sentence. So, the last Mughal Emperor or the latest? We are talking about the last. आखिरी वाला जो एम्पेयर था सो द लास्ट मुगल एम्पेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हिम नाउ नियरस्ट एंड नेक्स्ट दैट इज अमंग दीज वर्ड इट इज द वन मतलब सबसे पास और नेक्स्ट मतलब अगला दिस इज द नियरस्ट पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट टू माई हाउस हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द नियरस्ट पोस्ट ऑफिस एंड यू नो नेक्स्ट टू माई हाउस ये पोस्ट ऑफिस मेरे घर के सबसे पास है और बिल्कुल बाजू में है सो वी हैव बोथ एंड नेक्स्ट हियर बट यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस मेरे घर के सबसे पास है मैं इतना कह के रुक सकता था लेकिन और मैंने स्पष्ट कर दिया यह कि और बाजू में ही हो द पिलर बॉक्स इज नियरस्ट टू माई हाउस मतलब क्या होगा पिलर बॉक्स इज नियरेस्ट टू माई हाउस जो पिलर बॉक्स है जो पोस्ट ऑफिस का जो डब्बा है वो मेरे घर से सबसे निकट है दूसरों के घर से नहीं तो तुम्हें उस डब्बे में चिट्ठी डालना हो तो मेरे घर आ जाओ वहां से मिल जाएगा और या मैं उसको यूज करूं द पिलर बॉक्स इज नेक्स्ट माई हाउस मेरे बाजू में भी हो सकता है पिलर बॉक्स नेक्स्ट इज द बर्गलर वॉज टेकन टू वॉट इज द बर्गलर बर्गलर मतलब क्या होता है ध मारने वाला चोर सेंध मार के जो चोरी करता है तो द बर्गलर वॉज टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सबसे निकट के पुलिस थाने में उस चोर को ले जाया गया नियरेस्ट पुलिस स्टेशन द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज टू माइल्स अवे फ्रॉम हियर जो सबसे निकट का मेरे घर से रेलवे स्टेशन है या जो सबसे निकट का मेरे घर से पेट्रोल पंप है दैट इज टू माइल्स फ्रॉम हियर द नियरेस्ट नॉट द नेक्स्ट राइट एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट पेट्रोल पंप इज टेन किलोमीटर फ्रॉम देयर इसका मतलब क्या हुआ नियरेस्ट तो मेरे घर से दो किलोमीटर है और इसके बाद अगला पेट्रोल पंप जो है यदि आप उसको छोड़ दोगे तो अगला पेट्रोल पंप 10 किलोमीटर बाद आएगा तो वो नेक्स्ट हुआ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नीरस एंड नेक्स्ट नाउ सम कंपैरेटिव। ऐसे हैं जिसपे हम तुलना तुलनात्मक तो करते हैं लेकिन हम उसमें दैन नहीं लगाते हुँ. दैन नहीं लगता फॉर्मर लेटर दिस आपने पढ़ा लेटर चैप्टर्स लेटर चैप्टर्स एल्डर इसके बदले हम क्या करते है? कुछ कंपैरेटिव अपने तुलनात्मक अर्थ को खो जाने के कारण दैन नहीं लगता अब वो तुलनात्मक अर्थ खो अपर अपर लेयर अपर लेयर ऑफ द पर्स इज टॉर्न मेरे पर्स के जो ऊपर का जो लेयर है वो फट चुका है द इनर

He is the former prime minister. we don't say, former than no. he is the former president of India. I am the former uh, teacher of this school. So we have a former than. So this is where I am trying to say that there are few words where we do not use the word than because they have lost their comparative meaning they have lost their comparative relevance let us see one sentence both the tiger and the leopard are cats Aapko hai na, ki tiger or leopard cat family ke. biology mein family hoti, they belong to cat family the former animal is much larger than the latter the former is much larger than the latter. Here we former than is newer. Former larger than. What is hai Larger than. Former So, what I am trying to say is that there are few words. While than is used for larger, than is not used for former. This is what you need to understand. The inner meaning of this. लेटर इज नॉट क्लियर इनर कार्य क्या होता है इन के बाद आता है इनर तुलना में उससे ज्यादा अंदर लेकिन अब वो खत्म हो गई बात कि उससे ज्यादा अंदर कुछ चीज होती क्या ऐसी तुलना भी नहीं होती तो इनर कार्थ क्या होता है अंदरूनी बस तुलना अब नहीं होती इस चिट्ठी का जो अंदरूनी अर्थ है इस चिट्ठी का जो गहन अर्थ है वो समझ में नहीं आ रहा है यार तो हम क्या बोलेंगे द इनर मीनिंग इज नॉट क्लियर द इनर मीनिंग इज नॉट क्लियर माई एल्डर ब्रदर इज एन इंजीनियर सीधा ऐसा बोल दिया एल्डर दैन मी माई ब्रदर हु इज एल्डर दैन मी ऐसा नहीं माई एल्डर ब्रदर तो दैन नहीं लग रहा है ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जिसमें दैन लगना बंद हो गया क्योंकि अब तुलनात्मक नहीं होता मैं फॉर्मर है लेटर है एल्डर है, एल्डर है. फिर अपर है इनर है आउटर है दीज आर सम वर्ड राइट